नमस्कार, मैं राजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं जिज्ञासा विज्ञान की। कुएं में जहरीली गैस, जी हाँ, हमारे घर के पास मतलब गोंडा में ही 5 लोग की कुएं में जहरीली गैस होने की वजह से मौत हो गई। वो 5 लोग एक बछिया मतलब गौवंश को निकालने के लिए कुएं में उतरे थे और एक एक करके उस गैस ने 5 लोग की जान ले ली। लेकिन कुएं में जहरीली गैस पैदा कहाँ से होती है या इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जब कुआं सूखा होता है या उसमें पानी कम होता है या उसमें गंदगी होती है तो धीरे धीरे वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है इसलिए वो हमेशा तली में रहती है। हम लोग के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो है 0.03%। अब जैसे ही ये ज़्यादा होता है मतलब अगर ये 0.05% भी हो गया तो ये हम लोग के लिए प्राणियों के लिए बहुत ख़तरनाक है। अब जो भी कुएं होते हैं ऐसे वहाँ पे ये नंबर या संख्या 7% तक हो सकती है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ख़तरनाक होती है। अब और कुएं जहाँ पे जैविक कूड़ा मतलब जो सड़ने वाला कूड़ा है वो होता है, जैसे पेड़ों की टहनियाँ पत्तियाँ, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन, नाइट्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा हो जाती हैं जो ज़्यादा खतरनाक हैं हम लोग के लिए। जैसे ही कोई व्यक्ति इनके संपर्क में आता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन या तो नहीं होता है या बहुत कम होता है, और ऑक्सीजन की जगह पे उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है या कार्बन मोनोऑक्साइड पहुँचता है और वो उनके शरीर में ऑक्सीजन का परसेंटेज धीरे धीरे कम होता है और वो बेहोश होने लगते हैं, और अगर उनको समय से ऑक्सीजन ना दिया जाए तो उनकी मौत भी हो जाती है। अब ये बात आती है कि हम कैसे पता करें, क्योंकि गांवों में या आम जन के पास कोई केमिकल या मेथड तो है नहीं कि वो पता कर लें कि कुएं में ऑक्सीजन है या नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है मोमबत्ती। हर लोग के घर में लालटेन या मोमबत्ती होती है। जब भी ऐसी कंडीशन हो और कुएं में उतरना हो आपको, तो लालटेन जला के रस्सी में बांध दीजिए या मोमबत्ती को जला के रस्सी में बांध के धीरे धीरे कुएं के अंदर डालिए। अगर मोमबत्ती बंद हो जाती है या उसकी लौ कम होती है, इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है या बहुत कम है और कुएं में उतरना बहुत ख़तरनाक है। अब अगर आपको कुएं की जहरीली गैस से कम करनी है तो इसके लिए आप चूना डाल सकते हैं। चूना रिएक्शन करके गैसों को कम करेगा या ख़त्म करेगा। इसके अतिरिक्त और भी तरीके हैं गैसों को ख़त्म करने के, कि हम कुओं को हमेशा साफ रखें, उनमें जैविक कूड़ा जमा ना होने दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं। क्योंकि कुओं को हम बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भूजल को रिचार्ज करते हैं, इसलिए कुओं को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है और हम सबको बचना है। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विज्ञान नमस्कार।